ओहो, कोई खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा है, इसके पीछे राज क्या है? हाँ, तुम्हारा भाई है ना, बिल्कुल पागल है, लगता है मुंबई में कोई काम नहीं है। देखो कैसे मैसेजेस भेज रहा है। हमारे भैया कितने रोमांटिक है, है ना? अच्छा तुमने रिप्लाई किया? नहीं गुंजन, एटलीस्ट रिप्लाई तो करो। मैं क्यों करूं? गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना, और इनकी सजा यही है, हमारी खामोशी और हमारे फोन की खामोशी झापना। अरे रचना, याद है तुमने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें हिस्ट्री के नोट्स दोगी? दो? हाँ, एक मिनट। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये लो। थैंक यू। कितने की हिम्मत किसने की? हाँ तो देखो, रचना ये तो हमारे काम की चीज साबित हो सकती है। आई मीन हमारी नहीं, तुम्हारी। लो एंड कुछ कमाल कर दिखाओ। लो चलो, कम से कम पैम्पलेट तो पढ़ा। रचना आई रियली थिंक कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। दिल्ली छोड़ो, फिर पापा जाने के लिए कभी नहीं अलाउ करेंगे। रचना फिर से पहले से हार मान लिया। रचना अगर तुम्हें मौसा जी से बात करने डर लग रहा है ना, तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। बट आई रियली थिंक कि तुम्हें इस कंपटीशन में जरूर पार्ट लेना चाहिए। नहीं गुंजन, तुम बात नहीं करोगे। अगर हमें करना है तो हमें खुद करना है। लेकिन पापा से बात करने के लिए हमारी एक शर्त है। शर्त क्या? हम मम्मी पापा से तभी बात करेंगे जब तुम भैया को फोन करोगे। अरे मैं फोन कर लूंगी, लेकिन पहले तुम मौसी जी और मौसी जी से बात तो करूं। नहीं, पहले तुम फोन करोगे। देखो अगर तुमने बात नहीं की ना, तो मैं जाके मौसी जी से बात कर लूंगी। जब हमने वादा किया कि हम बात करेंगे तो हम कर लेंगे गुंजन, क्योंकि हमारा भी पार्ट लेने का मन है। सच, और पता नहीं हमारा मन क्यों कह रहा है कि हम जीत भी सकते हैं। अरे आगे बेटा, आज कॉलेज कैसा रहा? क्या बात है बेटा, उलझी उलझी सी लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। वो एक्चुअली हमें आपसे और पापा से, आप दोनों से कुछ पूछना है। इस वक्त पापा तो घर पर नहीं है, आते ही होंगे। तुम हमें बताओ ना, क्या बात है? मम्मी मान लीजिए कोई हमें अपना हुनर दिखाने का मौका दे रहा हो, तो क्या आप और पापा हमें उस मौके का फायदा लेने देंगे? हम समझ नहीं रहे बेटा,
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मम्मी हम जानते हैं कि घर में इतना सब कुछ होने के बाद आप हमें कुछ नहीं करने देंगी, लेकिन एक फैशन टैलेंट हंट है मम्मी, एक तरह से डिजाइनर्स के लिए एक तरह का कंपटीशन, देश भर के डिजाइनर्स हिस्सा लेंगे। साफ साफ बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो। हमारा मतलब ये है कि जो उभरते डिजाइनर्स हैं, जिन्होंने इस प्रोफेशन में एंटर किया या फिर जो एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए एक इंटरस्टेट कॉम्पिटिशन। मम्मी एक काफी बड़ा कॉम्पिटिशन है, विजेता को 5 लाख की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। 5 लाख मम्मी, आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? आपके लिए चाय ले आए। इतना सब कुछ होने के बाद शहर तुम रचना को उम्मीद भी कैसे दे सकती हो? देख नहीं रही हो कि वो पिछला झमेला अभी तक सुलट नहीं पाया? इसलिए मेहरबानी करके शायद चिंता के नए बीज मत हो। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए जी, आप जितना मुश्किल या बुरा होगा सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। और फिर ये भी तो सोचिए कि जो कुछ भी कर रही है आपकी मदद करने के लिए कर रही है। और बस शर, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम नहीं जानते कि रचना जो कुछ भी कर रही है वो हमारी मदद करने के लिए कर रही है? चलो एक बार हमने अपनी बेटी पर भरोसा कर लिया, लेकिन इस जमाने का क्या है? शैल हमारी बेटी मासूम है, उसने ये सारी दुनिया नहीं देखी हुई। नहीं, हम इस बात के लिए हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कभी नहीं। मम्मी कोई बात नहीं, पापा कुछ सोच समझ कर मना कर रहे होंगे। कम से कम आपने हमारे खातिर पापा से बात तो की। अगर हम जाएंगे तो सिर्फ आप लोगों की मर्जी से, वरना नहीं। एक ही दिन में हमारा बेटा हीरो बन गया है। आज ना कंप्यूटर पे आ रहा है, आगे से टीवी पे भी आने लगेगा। कितना प्यारा लग रहा है हमारा बच्चा। आंटी जी आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना, बैठिए तो सही। माँ। अरे गुंजन बेटा देखो देखो वो हमसे बात कर रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं वो। अरे हम लगता है इसे दिखाई भी नहीं रहे। अरे सुनते हो जेठ जी, दीदी जरा देखो तो हमारा मयंक हमें दिख रहा है, हमसे बात भी कर रहा है। ठीक है ना बेटा? अरे क्या बात है सीमा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे जी, देखो देखो मयंक मयंक मयंक। हाँ हाँ दिखाई तो दे रहा है। अरे कहाँ है वो? बात भी करेगा, बात करेगा। करो ना, सुनाई देगा। मयंक सुनाई दे रहा है बेटा। अरे जी जी धीरे, बारिश हो रही है। हाँ बेटा भीगना मत, हाँ नहीं तो बुखार हो जाएगा। अच्छा है ना तू? कोई हीरोइन मिलेगी नहीं? बेटा अब सब दिख रहे हैं तुम्हें। हाँ माँ आप मुझे बिल्कुल दिखाई दे रही हैं और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और मैं? मैं? जी जी छोड़ो ना। मयंक देखो ना तुम एक ही दिन में कितने कमजोर हो गए, कुछ खाया पिया नहीं है क्या? मयंक हम दिखाई दे रहे हैं। जी जी सब। पापा वो आप बोलो। कुछ नहीं, वो ऑफिस वालों के साथ डिनर पे जाना है, उनका मैसेज आया था, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है तो मुझे अभी जाना होगा। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ बाय बेटा, बाय। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।